हेलो भैया, नमस्कार। ये देखते अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है एमआरपीएल है। एमआरपीएल की बात करें 24 रुपए 15 पैसे बढ़त के साथ देखिए आज 248 रुपए 70 पैसे पर क्लोजिंग दिया। 10.75% की वृद्धि हुई है। अभी देखा जाए तो हम चार्ट पे फोकस करेंगे, न्यूज पे आप बाद में फोकस करेंगे। चार्ट पे देखा जाए ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसी का बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इस ट्रेंड लाइन पे देखा जाए तो ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, बट देखिए अपने लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ये प्रीवियस लो ये है, ये है और प्रीवियस लो ये है। देखिए कहीं भी अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा, यहीं से ऊपर चला जा रहा। और जो विदाउट लो को ब्रेक के ऊपर जा रहा है वो सस्टेनेबल है, और लो को ब्रेक करके ऊपर जाता है उसमें एंट्री लेना खतरों से खाली नहीं रहता है। अभी यहाँ पे देखा थी अपने नेक लाइन जो है उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर दिया है। अगर इसमें आप आज एंट्री लेते हैं, देखिए 248 के ऊपर एंट्री लेते हैं तो आपका ये 215 करीब में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस सेफ है क्योंकि मैं लो को जब तक ब्रेक नहीं आया, लो को ब्रेक करके स्टैंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बट देखा है ऊपर की तरफ जाने के लिए कंफर्मेशन दे दिया, आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। और देखिए फर्स्ट टारगेट आपका ये जो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा 280 और 300 के बीच में, 280-290 के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ पे जाकर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ले। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता तो फिर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं जो कंसोलिडेशन फेस का नीचे का पॉइंट होगा वो रख सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो ब्रेकआउट पे एंट्री मत लीजिए, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि 220 पे लिया 300 तक जाते जाते अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जाने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई थोड़ा नीचे आएगा। अगर यहीं पे रुका है फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो उसमें एंट्री बनाना संभव है, बट डायरेक्ट जाता तो एंट्री मत बनाएगा, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसमें इतना ही मिलता है अगला वीडियो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।